हेलो गाइस, उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे। और आज हम नए वीडियो के साथ हैं। कुछ दोस्तों ने फरमाइश की थी कि आप टॉप 10 समर फ्रेगरेंस का रिव्यू करें। ठीक है, मैं आपको अभी अपनी जो कि मेरे पास रहूँ कलेक्शन है टॉप 10 समर फ्रेगरेंस की, जो मैं ज़्यादा इंजॉय करता हूँ, मैं आपको उसका रिव्यू करके दिखाता हूँ। ठीक है, सबसे पहले हम आएंगे जॉन वर्वेथोस। ओके, इसका नाम में थोड़ा सा प्रॉब्लम है लेने में। ठीक है, और ये फ्रेश ग्रीन फ्रेगरेंस है और इसका है जो हाउस है काफ़ी पुराना परफ्यूम हाउस है। ठीक है, लेकिन रिसेंटली ये बैंकक्रप्ट हो गए थे, लेकिन किसी और कंपनी ने इसको बेच लिया। लेकिन इन्होंने अभी एक और फ्रेगरेंस रिलीज़ किया है, मैंने अभी तक उसका स्मेल नहीं की, लेकिन उम्मीद करता हूँ कि अच्छी स्मेल होगी उसकी। ठीक है, ये मेरे नंबर 10 स्पॉट पर है। परफॉर्मेंस के हवाले से मैं कहूँगा कि 3 से 4 घंटे, इससे ज़्यादा इसकी परफॉर्मेंस नहीं है, लेकिन डेफिनेटली कॉम्प्लीमेंटेटेड है। ठीक है, नंबर 10 स्पॉट पे जॉन वर्वेथोस। और नंबर 9 पे हम आएंगे वर्ली बीच हर्टमैन अमोश। मैंने इसका रिव्यू पहले भी किया हुआ है और इंडिविजुअली, क्योंकि मैंने इसका नहीं किया जॉन वर्वेथोस का, वो इंशाल्लाह सून करेंगे जब नया आएगा तो कंपेरिजन करेंगे इसका और उसका। अमोश बीच हाउस मैन, आपको पता है कि मेरा अमोश फेवरेट हाउस है, नीच हाउस है ये। और इसकी स्मेल ज़्यादा ग्रीन टाइप है, अगर आप ग्रीन टाइप फ्रेगरेंस लाइक नहीं करते तो इससे दूर ही रहिएगा। ठीक है, परफॉर्मेंस के वाले से सुपर स्ट्रॉन्ग है। ठीक है, मैं तो इसको शायद जिम में भी इस्तेमाल करूँ, क्योंकि ग्रीन फ्रेगरेंस है और जब आप इस्तेमाल करते हैं आपको एक डिफरेंट टाइप एनर्जी देता है, मजाक नहीं कर रहा, डिफरेंट टाइप एनर्जी देता है और परफॉर्मेंस प्रोजेक्शन अमेजिंग है। आप इसका एक इशू है, आपको कॉम्प्लीमेंट्स नहीं मिलेंगे, बहुत फ्रेश ग्रीन टाइप फ्रेगरेंस है कि सम पीपल के लिए पुल अप करना बहुत मुश्किल है। ये नंबर 9 स्पॉट पे है जी अमोश बीच हर्ट में। नंबर 8 पे मैं जाऊँगा जी, सबसे इजी फ्रेगरेंस है, आप गर्मियों सर्दियों में जब भी किसी भी मौके पे इस्तेमाल कर सकते हैं जी। ये जी इजी मियाँ की प्योर होम गुड वुड रिलीज होता है 2018 में, इसका मैंने इंडिविजुअली रिव्यू किया हुआ है और स्मेल के हवाले से बहुत अच्छा है। ठीक है, खूबसूरत इसकी स्मेल है, लेकिन इशू ये है कि इसकी परफॉर्मेंस इतनी अच्छी नहीं है, 4 से 5 घंटे मैक्सिमम है, लेकिन इसका ये है कि आपको डेफिनेटली कॉम्प्लीमेंट्स मिलेंगे। और ये है मेरे नंबर 8 स्पॉट पे इजी मियाँ की प्योर होम गुड वुड। नंबर 7 पे आऊँगा जी, बहुत सारे लोग कहेंगे ये तो विंटर का फ्रेगरेंस है वाकिंग, मैंने इस साल इसको बहुत इन्जॉय किया है, पिछले साल इसको लिया है, इसकी जो स्मेल है मुझे इससे 3 से 4 लेडीज ने इंडक्शन दी। ठीक है, और मोस्टली वो जिम टाइप थी। ठीक है, और 3-4 मैंने इंडक्शन दिए वो भी जिम टाइप फ्रेगरेंस है, आप इसको जिम में इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन इसकी एक कंप्लीमेंट देते हैं। ठीक है, परफॉर्मेंस ये स्ट्रॉन्ग फ्रेगरेंस है, 2 से 3 स्प्रे आपके लिए मैक्सिमम है। ठीक है, और इससे आप रोंग नहीं जा सकते। अगर आप मुझे कहेंगे कौन सा ज़्यादा हार्ड फ्रेगरेंस है, तो मैं कहूँगा इनमें से अमोश बीच हर्ट मैन ज़्यादा हार्ड फ्रेगरेंस है। ठीक है, लेकिन अमोश जो सॉरी द क्रीड वाइपिंग है ये इतना ईजी नहीं है, लेकिन ये अगर आप मेरे ख्याल में आप किसी भी वेदर पर पहन सकते हैं इसको, इसमें ग्रीन नोट्स हैं। ठीक है, और बहुत स्ट्रॉन्ग फ्रेगरेंस है, इसमें ऊद नहीं है, लेकिन प्रोजेक्शन लॉन्गजीविटी अमेजिंग है। ये मेरा पर्सनल, इस साल मैंने पिछले साल लिया था, लेकिन मेरा ज़्यादा यूज़ होने वाला फ्रेगरेंस है, आप देख भी सकते हैं इसका काफ़ी सारा चंक चला भी गया। ये जी क्रीड वाइकिंग्स। ठीक है, नंबर 7 स्पॉट पे। नंबर 6 स्पॉट पे मैं जाऊँगा जी, ये जी YSLY और परफॉर्म क्रिएशन है, इसका मैंने अभी तक रिव्यू नहीं किया, इंशाल्लाह सून इसका रिव्यू करते हैं इंडिविजुअली, लेकिन ये कॉम्प्लीमेंट करता है फ्रेगरेंस है। इसका जो इन्होंने फार्मूला क्या बनाया है आपको भी पता है, ये बेटर है EDT से, लेकिन इसका एक नया आया है परफॉर्म, मैंने उसका अभी तक स्मेल नहीं किया। ठीक है, समटाइम मैं सैंपल लेता हूँ, उसके बाद फिर मैं और ख़रीद लेता हूँ। यह जी YSLY बहुत अच्छा फ्रेगरेंस है। ठीक है, मुझे इसके काफ़ी सारे कॉम्प्लीमेंट्स मिले हैं,
ये मेरी नंबर सिक्स स्पोर्ट पे है एक्चुअली, नंबर सिक्स पे। नंबर फाइव पे मैं जाऊंगा जी, आप सब इस फ्रिक्वेंस को तो जानते होंगे, ठीक है, ये है जी इनविक्टस, ठीक है। इससे आप बबल गम जैसी आपको फीलिंग देता है, और सर्दी गर्मी जामी हो आप इसको स्मेल से रिकगनाइज हो जाते हैं। मैं ज़्यादा इसको इस्तेमाल नहीं करता, उसकी वजह यह है कि मैं ज़्यादा यूनिक फ्रेगरेंस लाइक करता हूँ, ठीक है। लेकिन ये अगर आप जैसे नॉर्मली ग्रोसरी शॉप पे जा रहे हो, कहीं भी जा रहे हो नॉर्मल फ्रेंड के साथ हो, तो ये बेस्ट फ्रेगरेंस है, ठीक है। इवनिंग टाइम, सुबह के टाइम, दोपहर के टाइम, एनी टाइम, ठीक है, ये फ्रेगरेंस ज़्यादा बाहर है, ठीक है। ये नंबर फाइव पे है, ठीक है। नंबर फोर पे मैं आपको बताऊँगा एक्चुअली, ये नंबर फोर पे था एक्चुअली, नंबर फाइव पे था, सॉरी, नंबर फोर पे आऊँगा डियर होम EDT, मेरा पर्सनल है, ठीक है। ये मेरी दूसरी बोतल है, ठीक है, और थोड़ा सा रह गया, ठीक है। इसको आजकल मैं इतना इस्तेमाल नहीं कर रहा, कोई दूसरे फ्रेगरेंस को मैं ज़्यादा टाइम दे रहा हूँ, क्योंकि इसका यह है कि आप जहाँ भी जाएंगे, किसी मौके पे आप पहनेंगे, किसी जगह भी जाएंगे, ये बेस्ट फिट है, ठीक है। इसका आप सूटेड बूटेड हो, कैजुअल हो, सुबह हो, दोपहर हो, शाम हो, सर्दी हो, गर्मी हो, बेस्ट फ्रेगरेंस है, ठीक है। डियोर सवा, ठीक है, वन ऑफ द बेस्ट फ्रेगरेंस है, ठीक है, डियोर लाइन का, और वन ऑफ द बेस्ट सेलर था, ठीक है। ये नंबर फोर स्पॉट पे है। नंबर थ्री स्पॉट पे जी, लास्ट ईयर मैंने इसको पहली बार स्मेल किया था। इसकी स्प्रे अच्छी है, ये जी डोची गबाना लाइट ब्लू इंटेंस, आप इसको फ्रेगरेंस को भी जानते होंगे। कॉम्प्लीमेंट्स के हवाले से मुझे इतनी कॉम्प्लीमेंट्स नहीं मिले पर्सनली है, ठीक है, लेकिन जितनी ज़्यादा हीट होती है उतना ज़्यादा आप इसको इंजॉय करते हैं। सर्दियों में तो बेकार है, इसका इस्तेमाल फ़ायदा ही नहीं है, ठीक है। मैंने इसको सर्दियों में लास्ट इस्तेमाल ही नहीं किया। परफॉर्मेंस इसकी 4 से 5 घंटे, लेकिन इसका बेस्ट है कि आपको एक्वाटिक सोल्टी थोड़ी सी स्मेल आती है, फ्रेश है, ठीक है। आप इसका कलर भी देख सकते हैं, ब्लू है, ठीक है, बेसिकली ब्लू फ्रेगरेंस है, ब्लू लाइन से आप कह सकते हैं, ठीक है। इसका बहुत सारे पैचेस आए हैं जिस तरह, लेकिन इतना नहीं है। एक रिसेंटली आया है डोची गबाना फॉर एवर, ये अभी 2 माह पहले, ये 1 माह पहले रिलीज़ हुआ है। सो मैं उसका मैं रिव्यू करूँगा, फिर आपको बताऊँगा। लेकिन बहुत सारे फ्रेगरेंस कम्यूनिटी में उसको बहुत ज़्यादा इन्जॉय किया, और कंपेरिजन के हवाले से कहने कि वो बेटर है इससे, जब मैं स्मेल करूँगा। तो ये नंबर थ्री पे एक्चुअली। नंबर टू पे ये जी एम वॉश रिफ्लेक्शन है। ये फ्रेगरेंस पहला मैन फ्लोरल फ्रेगरेंस था, और आई थिंक रिलीज हुआ था 2012 में। उस टाइम ये मैग्नेटिक ऐप नहीं थी, इसका इंडिविजुअल रिव्यू नहीं किया, मैं आपको इंडिविजुअल रिव्यू करूँगा, इसकी बहुत सारी डिटेल आपको बताऊँगा। ये फ्रेगरेंस फ्रेश क्लीन फ्रेगरेंस है, आप इसकी बोतल से देख सकते हैं, ठीक है, और इसकी स्मेल अमेजिंग है, मुझे बहुत सारे कॉम्प्लीमेंट्स मिले हैं, ठीक है, इससे। और 9 से 10 घंटे इतना क्लीन फ्रेगरेंस, अमेजिंग अमेजिंग परफॉर्मेंस है। अमोश हाउस में आपको ये मिलता है कि उनकी फ्रेगरेंस की जो परफॉर्मेंस है अमेजिंग होती है, ठीक है। तो ये नंबर टू पे है, ठीक है। नंबर वन पे है जी, ये है जी मंसेरा सेडक बोएसी, ठीक है, एडे परफॉर्म वर्जन है, ठीक है। और इसमें आई थिंक ये 120 ml का है, ठीक है। इसका मैंने भी अभी तक रिव्यू नहीं किया, ठीक है, इंडिविजुअली रिव्यू नहीं किया। इसकी स्प्रेयर बहुत अच्छा है, मंसेरा बहुत अच्छा हाउस है, इसके मेरे ख्याल में 60-70 फ्रेगरेंस हो गए, ठीक है। और इसकी जो लेमन है, बर्गमंट फ्रेशनेस है इस फ्रेगरेंस में, और इसकी परफॉर्मेंस डिसेंट है, 7 या 8 आवर्स के दरमियान इसकी परफॉर्मेंस है, डिपेंड है, लेकिन हाई हीट में आपको ज़्यादा इन्जॉय करेंगे। बेसिकली इसको कहा जाता है कि ये क्लोन नहीं है, लेकिन ये डिफरेंट थोड़ा चला जाता है, लेकिन आपको क्रीड एवेंटस और ये 90% सेम है, ठीक है। लेकिन ये नहीं कि ये कोई कॉपी है, कॉपी नहीं है बिल्कुल, ये बड़ा बड़ा हाउस है, ठीक है। लेकिन ये कि ये मोर फ्रूटी है एवेंटस से, ठीक है, और इसकी परफॉर्मेंस भी अच्छी है प्राइस के वाले से।
आपको मिल जाएगा 19, 20, 21, 22 हज़ार में, डिपेंड है आप, डिस्काउंट प्राइस में मिल जाएगा आपको। और ये अमेजिंगली इसकी परफॉर्मेंस है गाइस, और कॉम्प्लीमेंट बेटर है। तो ये नंबर वन स्पॉट पे है, और उम्मीद करता हूँ आप मेरी इस वीडियो को लाइक करेंगे और प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, ठीक है? और अल्लाह हाफिज़।